हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के होने ऊपर, जो कि होने वाला है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं पहले, फिर हम बात करेंगे कि मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी स्टडी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आकर के स्टडी करें। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोस हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। आपको यहाँ पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। बनने के बाद आप यहाँ पे मोर अबाउट पर्क्स में जाएंगे और हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलते हैं फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ, विच इज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी, सो जो सबसे पहला जो यहाँ पे कंटेंट होता है, अच्छा सबसे पहले मैं मेमोरेंडम के बारे में आपको बता दूँ। तो मेमोरेंडम को अगर आप इन जनरल अगर आप समझना चाहें तो मेमोरेंडम जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरीके से हमारा इंडिया जो है वो संविधान के तौर पे चलता है, उसी तरीके से कोई भी कंपनी जो होती है उसके मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग चलती है। मेमोरेंडम एक तरीके से उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है ना। मेमोरेंडम में वो हर चीज लिखी हुई है कंपनी के रिगार्डिंग जो कि जाननी जरूरी है। जब भी कोई कंपनी किसी मुसीबत में फंसती है तो मेमोरेंडम का सहारा लेकर के ही खुद को वहां से बाहर निकाल पाती है। तो मेमोरेंडम में है क्या क्या, सबसे पहला तो ये होता है कि जो कंपनी होती है उस कंपनी का नाम वहां पे लिखा हुआ रहता है। देखो, कंपनी बहुत तरह की हो सकती है ना, जैसे पब्लिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, वन पर्सन कंपनी होगी, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, बहुत तरह की चीजें हो जाएंगी, राइट। तो कंपनी कौन सी है ये आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मेमोरेंडम में। आपकी कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी है तो आपको अपने कंपनी के नाम के पीछे जो है लिमिटेड लगाना है। अगर आपकी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है तो आपको अपने नाम के पीछे, अपनी कंपनी के नाम के पीछे आपको प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा, है ना। So the name of the company with limited or private limited as the last words of the name in the case of public company or private company, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। So this does not apply to the company registered under section 8 of the Companies Act, जो कि charitable objects के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसी कंपनी जो कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जा रही है उनको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 वहां पे आपको लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन केस ऑफ वन पर्सन द कंपनी सेक्शन 12 रिक्वायर्स दैट द वर्ड्स वन पर्सन कंपनी मस्ट बी मेंशन इन द ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। तो वन पर्सन का जो कंपनी होती है वहां पे जो व्यक्ति का नाम होता है, जो कंपनी का नाम होता है वहां पे ब्रैकेट में आपको ओपीसी लिखना, वन पर्सन कंपनी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। तो ये सबसे पहला कंटेंट हो गया। दूसरा कंटेंट हो गया द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो जिस कंपनी में, जिस स्टेट में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, सपोज आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं और आपकी कंपनी, सपोज आप वेस्ट बंगाल से ही डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, तो आपकी कंपनी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो आप जो अपना मेमोरेंडम बनाएंगे कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में दूसरे नंबर पॉइंट पे आपको ये लिखना होगा कि आपकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कि बंगाल में है, तो आपको अपनी जो स्टेट है उसका नाम वहां पे लिखना होता है। बी नंबर में बोला जा रहा है। सी नंबर है द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड द मैटर कंसीडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट्स है आपकी कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे जो आपका ऑब्जेक्ट रहा है उस कंपनी को एज ए आपको जो है थर्ड पॉइंट वहां पे जो है आपको मेंशन करना होगा। तीसरा कंटेंट जो है आपका यही होता है कि आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। चौथा है द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड एंड ऑल्सो द स्टेट, है ना। ऑल्सो स्टेट के बारे में बाद में बताऊंगा। तो जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, है ना, किसी भी कंपनी में, वो लायबिलिटी आपको अपने मेमोरेंडम में मेंशन करनी इंपॉर्टेंट है कि जो लायबिलिटी है वो कंपनी मेंबर्स की वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, है ना। वो चीजें आपको मेंशन करनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो डी में दो पॉइंट बताए गए हैं कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड है तो लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा, लिमिटेड कंपनी के केस में क्या होगा, जो कंपनी होती है वो दो तरह से लिमिटेड होती है। एक तो होती है लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स के क्षेत्र में सपोज कोई कंपनी अगर 100 रुपए की है तो उसके 100 शेयर्स है सपोज 1 रुपए करके, तो 1 रुपए में अगर आपने 50 पैसे पेमेंट किए, 50 पैसे आपको पेमेंट करने बाकी है, तो आपकी लायबिलिटी उस कंपनी को लेकर के सिर्फ 50 पैसों की होगी। कभी अगर वो कंपनी डूब जाती है और अगर आपको अपने पैसे देने पड़ते हैं लोगों को,
है ना, कंपनी डूब जाएगी तो जिन लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए उनके पैसे डूब जाएंगे, तो आपको पैसे देने होंगे ना, कंपनी पैसे देगी, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो उस केस में पैसे जो है आपको देने होंगे, लेकिन उतने ही पैसे देने होंगे जितना पैसे आपको कंपनी को देने बाकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास शेयर जो है वो 50 पैसे करके जो है कुछ शेयर्स आपको कंपनी को देने बाकी हैं, 50 पैसे आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिए हैं, तो बाकी के रेस्ट 50 पैसे आप दे दोगे तो आपकी जो जो लाइबिलिटी है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, माफी चाहूंगा इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक हो जाएगा जी। तो अगला क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, ये आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगला बोला जा रहा है कि कोई कंपनी जब लिमिटेड बाई गारंटी होती है ना, तो उस केस में उसको उतने पैसे देने पड़ते हैं जितना कि वो अपना एक तरीके से जितना कि वो एक तरीके से अंडरटेक करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है। सपोज कोई व्यक्ति है, उसने कंपनी को स्टार्ट करा, शुरू में 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है ना, तो उसकी लिमिटेड बाई गारंटी के केस में क्या होगा कि उसको 1 करोड़ रुपए तक जो है उसको इन्वेस्टमेंट वापस से करने होंगे, इन केस अगर कंपनी को कुछ दिक्कत होती है तो। इन केस ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी द अमाउंट अप टू विच द ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, वहां पे अंडरटेक कर रहा है कि ठीक है चलो इतना अगर कोई कंपनी की दिक्कत होती है तो इतने पैसे मैं वहां पे कंट्रीब्यूट करूंगा, तो जितना वो मानेगा, वो जितना वो गारंटी दे रहा है कि ठीक है मैं 1 करोड़ वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, जितना वो बोलेगा कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए कंपनी डूबती है तो मैं 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा, तो वो 10 लाख रुपए की लायबिलिटी वहां पे उसकी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी बाई गारंटी है ना, लिमिटेड बाई गारंटी है। तो लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अनलिमिटेड केस के बारे में, ये तो लिमिटेड हो गया। अनलिमिटेड वाले केस में क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सा है कि अनलिमिटेड वाले केस में आपके जितने भी कंपनी के डेट्स होते हैं, जो भी लायबिलिटीज होती है, उनको पे ऑफ करने के लिए जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी सारी की सारी जो एसेट्स होती हैं सबको बेच बेच दी जाती हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड चीजें हो जाती हैं, आपको हर एक चीज के लिए जो है आपको अपने पैसे जो है यहाँ पे पर्सनली आपको अपने पैसे लगाने होते हैं, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे ए और बी नंबर पॉइंट में लिखी गई है। देखो ए नंबर पॉइंट वही, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी व्हिच इवेंट इज वाउंड अप, के केस में क्या होगा, मेंबर विद इन अ ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी मेंबर, जब वो मेंबर नहीं बनना, मतलब जब वो मेंबर एक तरीके से हट जाता है, जब कंपनी बंद हो जाती है तो 1 साल के बाद जो है वो कंपनी एक तरीके से जो मेंबर होते हैं वो एक तरीके से कंपनी से अलग हो जाते हैं, है ना। तो उस केस में जितने भी पेमेंट होती है डेट्स की, लायबिलिटीज की कंपनी के द्वारा, वो सारी की सारी जो है मेंबर को करनी होती है, पर अगर 1 साल के बाद अगर आप उसे मांगने जाओगे तो फिर वो आपको नहीं देगा, क्योंकि 1 साल के बाद जो है वो सीजेस टू बी ए मेंबर हो जाता है, वो मेंबर नहीं रह जाता। सो टू द कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्व्स, तो इस केस में जितने भी चार्जेस होंगे एक्सपेंसेस होंगे वाइंडिंग अप के, वो सारी की सारी चार्जेस जो है एक तरीके से वहां पे मेंशन होनी होगी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, कि कौन जो है कितना पैसा जो है वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है ना। ई नंबर पॉइंट है, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो जिस कंपनी का शेयर कैपिटल होता है उस केस में मेमोरेंडम में क्या लिखा होने चाहिए, क्या लिखा होता है मैं वो भी बता देता हूँ। सो द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड एंड द डिवीजन देयर ऑफ इनटू द शेयर्स ऑफ द फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर्स विच द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एग्री टू सब्सक्राइब विच शैल नॉट बी लेस देन 1 शेयर, है ना। तो जो अमाउंट जितने पैसों से आपकी कंपनी स्टार्ट हो रही है वो पैसे वहां पे मेंशन होने इंपॉर्टेंट है, कितने पैसों से जो है कंपनी स्टार्ट हो रही है, राइट। और आगे जाकर के जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जो आपकी कंपनी को सब्सक्राइब करेंगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसके शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, उनके बारे में भी जानकारी जो है आपको अपने मेमोरेंडम में लिखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंटेंड्स टू टेक इंडिकेटेड अपोजिट हिज नेम, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ईच सब्सक्राइबर, जितने भी सारे वहां पे सब्सक्राइबर्स होंगे स्टार्टिंग में, मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो कितने शेयर्स वो खरीदना चाह रहे हैं, कितने शेयर्स वो लेना चाह रहे हैं, वो चीजें आपको जो है अपने मेमोरेंडम में लिखनी पड़ेगी अपने सब्सक्राइबर्स के नाम के बगल में, कितने शेयर्स वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला और आखिरी पॉइंट है, इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी द नेम ऑफ द पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, है ना, वो भी यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखना इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, उसकी अगर खुदा ना खास्ता किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उस केस में जो मेंबर है वो कौन बनेगा उस कंपनी का, वो जानकारी जो है वो भी आपको मैं अपने मेमोरेंडम में लिखनी की आवश्यकता होती है। इट मे बी नोटेड दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, इफ इट डज द सेम शैल बी डिवॉइड ऑफ एनी लीगल इफेक्ट, है ना। यहाँ पे बोला गया कि आप नोट करके रख सकते हो कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी का जो होता है वो कंपनीज एक्ट से अलग नहीं हो सकता, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करना होता है। बट अगर आप फिर भी अगर कुछ चीजें ऐसे डालते हो जो कि एक तरीके से सही नहीं है या फिर गलत है, तो उस केस में वो जो चीजें होंगी, जो पॉइंट्स होंगी, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगी और उनका कोई लीगल अस्तित्व नहीं रहेगा, लीगल कोई उनका इफेक्ट नहीं होगा,
ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स थे, ए से लेकर के एफ तक, छोटे वाले एबीसीडी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल लेटर वाले ये पॉइंट्स है, देखो ए से लेकर के एफ तक। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।